नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ है वो शख्सियत जिसका जिक्र हम शो में गाहे गाहे करते रहते हैं, यानी अजीजी के बड़े ताया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, आप मेरा डायरेक्ट नाम लेके मेरा तारीफ कराया करें। मैं ये अजीजी का ताया जो आप कह रहे हैं इसमें लपतीजा मेरा, मगर मैं इससे बहुत अकता गया हुआ। नहीं, बदतमीजी करके गया है। अच्छा, क्या बदतमीजी करके जी? मैं बाहर आके बस सिक्योरिटी वाले से एड्रेस पूछ रहा था। मैंने कहा यार मैंने जुनैद सलीम साहब के पास जाना है, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तो बच्चा अच्छा था, सिक्योरिटी वाला खड़ा हो गया बातें बूते करने का। बड़े जवान आदमी माशाल्लाह, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त, तो वो इंडियन फिल्म का एक्टर सलमान खान ही लग रहे हैं। ये सिक्योरिटी वाले ने मुझे कहा। अच्छा, कह रहा था कि सलमान खान लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ऊपर से आ गया, कहता नहीं नहीं सलमान खान नहीं लग रहे, सलमान पहलवान पेंचरों वाला लग रहे। बस फिर मैंने वो की के याद करेगा। क्या किया आपने? मैंने तो सीधा इट कट मारी जी। ऐसा बदतमीज है, नीचे बैठ गया, वो सिक्योरिटी वाले को जा रहे। ये तो निकल गया, फिर वो सिक्योरिटी वाले पांच छह बंदे थे, उन्होंने फिर कहा कि आ जा भाई सलमान खान इधर। पौना को घंटा उन्होंने सलमान खान को मारा है, तो ऊपर से फिर सलमान गनी साहब आ गए, वो जिनकी शक्ल जवान सदर यूब से नहीं मिलती। उन्होंने शुक्र है नाम की लाज रख ली, उन्होंने कहा फिक्र ना करो जी मैं भी सलमान हूँ, आप सलमान। उन्होंने कहा कि अकल करो, चौधरी साहब है आगे से ठट्ठा कर रहे हैं वो जो सिक्योरिटी वाले हैं, कहते हैं कौन सा चौधरी हमारे सामने चिंगची से उतरा है। तो मैंने कहा चौधरी चिंगची में नहीं बैठ सकता, हाथ हो गया तुम्हारे बड़े चिंगची तो लतियां मारती। अच्छा यार जल्दी से गुफ्तगू कर लें जो आपने करनी है, मैंने फिर वापस गांव जाना है, आज वहां पे मीटिंग है इलेक्शन की। अच्छा, हाँ खड़े हो रहे हैं? नहीं नहीं मैं नहीं खड़ा हो रहा, इलेक्शन पे तो दो और बंदे खड़े हुए हैं। अच्छा। मगर मेरी वहां पे अल्लाह के फजल से बड़ी अहमियत है। अच्छा। मैं जिसको कहता हूँ उसी को लोग वोट देते हैं, मेरे इलाके के लोग जो है वो मेरे जेरे असर है। अच्छा मशवरा दीजिएगा। हाँ जी मैं अच्छा मशवरा देता हूँ, मैं मेरिट पे फैसला करता हूँ, जो अच्छी रोटी खिलाए मुझे मैं तो उसको ही कहता हूँ वोट। पिछली दफा एक बंदे ने मुझे मछली खिलाई पहले, एक कैंडिडेट था, मगर वो उसने डालडे क्यों में तल के खिलाई। अच्छा। कुछ दिन बाद ही दूसरे ने देसी क्यों में तल के खिलाया। अच्छा। मैंने फौरन इलाके वालों को कह दिया ये नहीं भाई ये ठीक है। अब देसी क्यों का डालडे का बड़ा फर्क होता है। आप जमीर की बजाय खाने की रोशनी में फैसले करवाते हैं जी। मैं अपने आप को अपने मुल्क की और अपने गांव की इज्जत का रखवाला समझता हूँ, जो मेरे पिंड के लिए बेहतर है मैं वही करता हूँ। ये 25,000 रुपया दिया मुझे उस कैंडिडेट ने कि मेरी कॉर्नर मीटिंग करवा दो अपने गांव में। अच्छा। अब 20,000 रुपया तो मेरा लग जाना है, 5,000 पीछे मैं अपना जमीर बेचता, फिर मैं नहीं ऐसे काम करता। मैंने तो उसे साफ कह दिया, मैंने कहा भाई जो लोगों को नजर आएगा सही सच, अगर तुम अच्छे इंसान हुए तो वो तुम्हें वोट देंगे। मैं उनसे यही कहूंगा कि तुम्हें वोट दो, अगर तुम इंसान ना अच्छे हुए तो वोट नहीं मैंने ये देने देना था। आगे से मुझे कहता कि जनाब मैंने 25,000 रुपया आपको दिया, आप मेरी तरफ की बात करें। मैंने कहा अकल कर, जो तुम्हारा मुखालिफ है वो मुझे 50,000 रुपया दे रहा था। अच्छा। मैंने कहा ना मैंने पहले उससे पैसे पकड़ लिए, मैंने उससे ही बात, मैं बेईमानी नहीं कभी भी करता, मुझे जो पहले पैसे दे दे मैं उसी की बात। कुछ तो अकल करे, यानी अकल करे बिजनेस ना करे। देखे यही होते हैं दिन चंद कमाई के, उसके बाद पता नहीं 5 साल फिर गुजारने पड़ जाए इसी तरह। अब तो वो माहौल भी नहीं रहा कि 2 साल बाद गवर्नमेंट टूट जाए और हमारी मौज लग जाए। हम जो है बात करते हैं मुंह के ऊपर और सच्ची बात करते हैं, हम कभी किसी के मुखालफत जो है वो पीठ पीछे नहीं करते। तो लोग आपके कहने पे वोट डालते हैं? अल्लाह के फजल से जिस तरफ इशारा करते हैं उधर ही वोट डालते रहे हैं लोग और डालते हैं आप भी। ये आप थोड़े से चौधरी बने हैं मीडिया वाले लोग, आप बैठ के टीवी पे लोगों को अकल बतानी शुरू हो गए, हालांकि मैं समझता हूँ वो अकल नहीं है। इलाके का जो बुजुर्ग है उसके कहने पे वोट दे देना चाहिए, वो स्याह करे सफेद करे वही जिम्मेदार होना चाहिए। और मैं अपने इलाके का जिम्मेदार था, ये आपने शो में कह कह के ना अब लोगों को थोड़ा सा चलाक कर दिया हुआ, अब लोग ये अड़ी करते हैं, वो कहते हैं कि ताया नहीं है जिना कर, आप पैसे खा के तो हमें कहता वोट उधर दे दो। मैंने कहा मैं को कल्ला थोड़ा खाता हूँ, तुम लोगों को भी सारों को 100 रुपया देता ही हूँ इलेक्शन वाले। 100 रुपये देते हैं उनको? नहीं, साथ कीमे वाला नान और चटनी भी देते हैं, मगर उनको 100 दे के तो 100 स्यापा तो हमें ही होता है ना, 100 चीजें तो हमें नोट करनी होती है बंदे की, देखना होता है कि बरादरी कौन सी है, फिर ये देखना होता है कि ये बंदा हमारे साथ
थाने कचहरी जा सकेगा कि नहीं। मेरे अकेले के तो काम नहीं ना होते, गांव के सारे लोगों के काम होते हैं। देखना पड़ता है कि कौन हमारे साथ चलेगा, कोई चोरी चिकारी में पकड़ा जाए पिंड में, कोई साइकिल चलाता, कोई डकैती करता, कोई कत्ल गारत लड़ाई झगड़े पिंडों में, यही प्रॉब्लम होती है। उस वक्त जो साथ चलेगा बंदे के उसी को वोट देंगे ना, मैं फजूल वोट तो नहीं ना जाया करता। पता चल गया ना आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। बड़ा मुश्किल जी, सिक्योरिटी वाले तो मारते रहते हो अगर सलमान गनी साहब ना ऊपर से आते। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।